आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बताया लगातार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं जहां पर लगातार बढ़ चढ़ के लोग जो है वोट कास्ट करें। समय 2 बजने वाले हैं और अभी भी लंबी लंबी कतारें जो है वो आपको नज़र आएगी, क्योंकि लोग जो है इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। डेमोक्रेसी का पर्व जिस तरह से वो ये उत्सव जो है वो मना रहे हैं। और इस समय आपको बता दें कि पिंक पोलिंग बूथ के बाहर है और ये ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पर आपको बता दें कि वोटिंग के लिए लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के नौजवान बेटे बेटियों को वोट करने का पहली दफ़ा मौका मिल रहा है और बहुत अच्छी बात है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो दोबारा से रिवाइव हुआ है, ये तो होना ही था। लोगों के बीच आप भी जाते हैं, क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव हो जाते हैं, किस तरह के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं? मैं स्पेसिफिक मुद्दों की बात इस वक्त नहीं करूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर का वोटर है, खासतौर पर जो नौजवान यूथ हैं, वो बड़ा क्लियरली जानते हैं कि उनका भविष्य कहाँ पर सिक्योर है। सब अपना भविष्य देखना चाहते हैं, सब एक शांति, अमन और पीस का माहौल देखना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि जो पिछले 30 सालों में जो बर्बादी हुई है जम्मू कश्मीर में, वही दौर लौटा के वापस आया जाए। सो सभी लोग मेरे ख्याल अपना फ्यूचर सिक्योर करने की उम्मीद में हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्साहित और बढ़ चढ़ कर वोटिंग जो है करें, इसे किस तरह से देखते हैं आप? ये तो बहुत अच्छी बात है, उत्साह तो होना चाहिए। जिस किस्म से फ्री और फेयर इलेक्शन हो रही हैं, जिस किस्म से अलग अलग माइंड सेट के कैंडिडेट्स उभर के सामने आ रहे हैं, ये डेमोक्रेसी की जीत है। कुछ विकलांग भी आ रहे हैं, कुछ सीनियर सिटीजन भी आ रहे हैं, अहमियत पहचान रहे हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो उनके लिए क्या आपकी सजेशन आपकी तरफ से? नहीं, मैं क्या सजेशन दूंगा, मैं तो उनका अप्रिसिएशन तो है ही है सबके लिए। अप्रिसिएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो सेना बल के लोग हैं, जो आवाम हैं, जो इलेक्शन प्रोसेस में जो ये भागीदारी जताते हैं, सबके लिए अप्रिसिएशन मैं व्यक्त करूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका नाम? विजय लक्ष्मी। अभी वोट करने के लिए जा रहे हैं आप? हाँ। तो कितना अच्छा लग रहा है इतने सालों के बाद, जिस तरह से हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी तक कितनी बार आपको लगता है कि आप वोट डाल चुके हैं? मैं हर बार वोट डालती हूँ जी, कभी मिस नहीं किया जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य को लेकर या जो युवा पीढ़ी है उनकी सोच को लेकर आपने वोट डाल रहे हैं, या क्या कुछ मुद्दे हैं? अच्छे के लिए डाल रहे हैं, बुरे के थोड़ा डाल रहे हैं। अच्छा आए, आगे अच्छे लोग आए जी, अच्छे मिनिस्टर आए जी, इसलिए थोड़ा बदलाव आए, क्योंकि डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी पहले, अब हो पाएगी। हाँ। उसी सोच के साथ। थैंक यू। वीनू शर्मा, वीनू से क्या कहना चाहेंगे आज वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं? एक तो 10 साल बाद हो रहा है, वेट तो है हमें, स्टेट से यूटी बने हैं, तो अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी तो स्टेटहुड की तरफ कुछ तो स्टेप्स उठाए जाएंगे। और क्या कुछ सोच विचार के साथ आप वोट कास्ट करने आए हैं? ये अपनी स्टेट की बेटरमेंट होनी चाहिए, इन एवरी फील्ड प्रोग्रेस होनी चाहिए, यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हम देख रहे हैं यंगस्टर्स भी बढ़ चढ़ के आए, किसी की फर्स्ट टाइम वोटिंग है, तो आपकी भी फर्स्ट टाइम होगी, तो क्या एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं आप? एक्सपीरियंस अब तो खैर हमारा तो फर्स्ट टाइम नहीं है, बट ये है कि आफ्टर 10 ईयर्स हो रहा है हमारी, मैं तो स्टेट कहूँगी, पहले तो स्टेट कहने की ही आदत है हम लोगों को, यूटी तो नया ही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, देना चाहिए, कास्ट करना चाहिए वोट। बढ़ चढ़ कर लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह से ही 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में जो है लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में नज़र आए हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह से 7 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हो रहे हैं और लगातार लोग जो है बढ़ चढ़ कर डेमोक्रेसी का पर्व जो है वो धूमधाम से मना रहे हैं, बढ़ चढ़ कर उत्साहित हैं और अपना वोट, कीमती वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, विजुअलिस्ट अमित शर्मा के साथ, मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।